चलिए महादेव, सागर में चलने का समय आ चुका है। उचित है जलंधर, ये इच्छा भी पूर्ण कर लो। पिताश्री देवी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कवच की मर्यादा को कभी भंग नहीं करेंगे। ऐसे तो जलंधर अजय हो जाएगा। जब ममता मार्ग छोड़ेगी, कर्तव्य केवल तभी पग बढ़ा पाएगा। और शिव शक्ति के लिए तो कर्तव्य सदैव सर्वोपरि है ना। चलिए महादेव, आपको सागर में खींच कर लेके जाने का प्रण पूर्ण कर लेता हूं। उचित है संपूर्ण संसार। अधर्म असत्य चाहे जितना बल लगा ले, धर्म और सत्य पर चलने वाले पथिक का मार्ग नहीं हिला सकते, ना उसे रोक सकते हैं ना उसे टोक सकते हैं। तुम्हें ये भ्रम है ना कि तुम शिव को सागर में ले जाकर हरा दोगे, किंतु शिव तो हार और जीत से परे हैं जलंधर, परे हैं जलंधर। इस संसार में उदाहरण स्थापित करने के लिए, धर्म और सत्य का डंका बजाने के लिए ये बताने के लिए कि सत्य और धर्म का कद सदैव अधर्म और असत्य से ऊंचा रहेगा, कि सत्य और धर्म हर युद्ध भूमि में, हर रणनीति में, हर पृष्ठभूमि में विजयी ही होगा। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी स्वीकार करता हूं। चलो सागर तट पर, अब वहीं
सत्य, धर्म और कर्तव्य की ध्वजा लहराएगी। अब वही होगा इस युद्ध का अंत, इस युद्ध का अंत, इस युद्ध का अंत। उचित है। माता पिताश्री जलंधर के साथ सागर के भीतर तो जा रहे हैं, किंतु देवी वृंदा के पतिव्रत धर्म का क्या? उसे कैसे काट पाएंगे पिताश्री? काटना होगा, क्योंकि जब तक वृंदा के पतिव्रत धर्म की ढाल नहीं ढहेगी, तब तक महादेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप भी कुछ कीजिए नारायण, कुछ कीजिए प्रभु। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार महादेव की इच्छा उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर देवी तुलसी का पतिव्रत धर्म तोड़ने का दुस्साहस कर चुका, और अब दोबारा मैं वो पाप नहीं कर सकता। महादेव, आज भावनाओं में बहकर आपने इस सागर में आने की सबसे बड़ी भूल कर दी है। जानते हैं, इस सागर की प्रत्येक जलधारा जलंधर के अधीन है। और ऊपर से मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म, उसका कवच, आज आपकी हार निश्चित है। महादेव, मैं हर हार और हर जीत से परे हूँ, हर जीत से परे हूँ, हर जीत से परे हूँ, और समय आने पर तुम्हें स्वयं इस बात का ज्ञात हो जाएगा जलंधर। देवी, भगवान जलंधर महादेव को सागर में ले आए हैं। आपके पति को विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता।